मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास लोधी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड समाकारिता यूनिट नंबर सेकंड कंटिन्यू चल रहा है। पिछली वीडियो में इसके बारे में सभी तरह की परिभाषा और इसको नोटिफिकेशन जो एफ द्वारा डिनोट किया जाता है और कर्नल तक जाकर स्टॉप करवाया था, कर्नल यानी उसकी अस्थि और अगली जो थ्योरम थी वो भी बता दी थी मैंने। आज इसकी थ्योरम नंबर दो है, प्रमेय नंबर दो है, जिसमें दो टुकड़े हैं। एक बार मैं प्रमेय इसमें अच्छी तरह जीपीएस में टू द पॉइंट लैंग्वेज लिख देता हूं। यदि ई व ई डैश समूह जी व जी डैश के क्रमशः तत्सम का अवयव हो तो सिद्ध करो कि पहला नंबर एफ ई बराबर ई डैश और दूसरा नंबर एफ ए का इनवर्स बराबर एफ ए का होल इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये अपने को काम अच्छी तरह करना ही है। तत्समक अवयव की परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए हमें किस प्रकार से बताना है कि ये यहां पर आकर समाकारिता में कन्वर्ट हो जाए और समाकारिता द्वारा परिभाषित हो जाए। तो पहले इसका रफ आइडिया दे देता हूं, फिर इस थ्योरम को क्लियर लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि समाकारिता में भी आप लोग ट्रेंड हो जाएंगे। समाकारिता वही है जो सभी क्वेश्चन करके जाते हैं, सभी स्टूडेंट सभी प्रकार की थ्योरम्स को, और अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, आठ नंबर बिल्कुल इजी भी मिल जाते हैं। लेकिन मैंने इसके साथ बड़ा चैप्टर पहले करवा दिया है प्रसामान्य उपसमूह, उसमें एक दो थ्योरम स्टॉप किए क्योंकि उसमें समाकारिता वर्ड आ रहा था तो मुझे ये चैप्टर करवाना ही था। तो अब वो दोनों थ्योरम भी हम आराम से कर सकते हैं, बोर्ड पे करवा दूंगा। फिलहाल आज का जो वर्क है वो कर लेते हैं, ये दो प्रकार की थ्योरम फिनिश करना और अगली थ्योरम की ओर बढ़ना। सेम लैंग्वेज है, दोनों थ्योरम एक साथ मैंने लिख दी है। ये दोनों थ्योरम अलग अलग है, एग्जाम में अलग अलग आती है, ये अलग आती है, ये अलग आती है, प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है तो अपन क्या है कि ये एक साथ लिख लेते हैं। पहले इसका रफ आइडिया है, पहले समूह के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, समाकारिता के बारे में। समूह क्या दिया हुआ है, कैपिटल जी से डिनोट होता है, तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला है सहचर्यता, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। दूसरा नंबर होना चाहिए तत्सम का अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरा नंबर होना चाहिए प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट। साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम तीनों अवयव ही हमें काम में आएंगे, साचर्यता कभी काम नहीं आता। कई बार मैंने कहा था कि जब कैसे इस प्रकार के प्रश्नों के साधारण योग व गुणा हो तो साचर्यता सीधा लिखा जाता है कि हम जानते हैं कि, तो ये कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। दो के बारे में अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। तत्समक अवयव की परिभाषा थी ए बराबर ई है, और ये था ए बी बराबर ई बराबर बी है, जहां पर बी क्या कहलाता है प्रतिलोम अवयव कहलाता है, और ये क्या होता है साधारण अवयव का डिनोट करता है। तो ये थ्योरम क्या है कि अपन डिराइव कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार की कभी भी आपके दिक्कत नहीं आएगी। आपके जो भी पूरा थ्योरम का यूनिट है आपको पढ़ने में भी काफी इंटरेस्ट रहेगा। इसका प्रूफ है, सबसे पहले दिया हुआ क्या ये लिखना होता है, हमारे पास गिवन ये है कि इसमें समूह जी दे रखा है, जी डैश दे रखा है, तो लिख लो दिया है हमें समूह कैपिटल जी और जी डैश। समाकारिता दी भी है, ये भी लिख लो आप, तो पूरा अपने वर्ड में लिख लेना ताकि दोनों थ्योरम आज की डेट में कंप्लीट करा दो, और समय रहा तो अगला भी वर्ड बताऊंगा। समाकारिता की परिभाषा भी डिनोट कर दो, क्या दी हुई होती है, ए स्टार बी का मान किसके बराबर है, एफ ए स्टार एफ बी के, ये हम आराम से ले सकते हैं। दूसरा सिद्ध करना है, ए नंबर पहले बता रहा हूं, कोई ए यहां लिख दिया तो यहां पर लिख लेंगे एफ ई बराबर ई डैश, ये हमें सिद्ध करना है। थोड़ी लाइन खींच देता हूं ताकि अपने को पूरा आइडिया रहे कि हम करने क्या जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, समूह जी के अंदर
समूह तीन में समाकारिता की परिभाषा के अनुसार पहले समाकारिता नहीं, पहले तत्समक अवयव लिख देते फिर समाकारिता, उससे क्या सीक्वेंस बना रहेगा। जी में तत्समक अवयव की परिभाषा के अनुसार माना ए बिलोंग्स टू जी है, तो ए ई बराबर ए बराबर ई ए हो जाएगा। समाकारिता एफ से गुणा कर दो, एफ ए ई बराबर एफ ए बराबर एफ ई ए, समाकारिता की ये परिभाषा यहां पर इंप्लीमेंट कर देते हैं, उससे दो टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा, एफ ए इंटू एफ ई बराबर एफ ए बराबर एफ ई इंटू एफ ए, ये वाला पार्ट उठा लेते हैं तो ये बच जाएगा एफ ए इंटू एफ ई बराबर एफ ए। एफ ई का मान किसके द्वारा डिनोट होता है, ई डैश। अगर एफ ई भी तत्समक अवयव को रिप्रेजेंट करता है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ई डैश। ये वर्ड क्या कहलाता है, तत्समक अवयव। ई डैश क्या था, ई डैश क्या, जी डैश में तत्समक अवयव है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आराम से इसको हल कर सकते हो। इसी प्रकार प्रतिलोम अवयव की परिभाषा पुट कर देंगे, ए स्टार ई बराबर ए है, तत्समक का उल्टा प्रतिलोम, प्रतिलोम का उल्टा तत्समक। प्रतिलोम को इंग्लिश में वैसे इनवर्स एलिमेंट बोला जाता है, प्रूफ नंबर भी है। पहला दिया है समूह जी और जी डैश गिवन है, वापस वही बातें बार बार लिख रही है, समाकारिता गिवन है, सिद्ध करना है एफ ई का इनवर्स बराबर एफ ई का होल इनवर्स के बराबर होता है। लिख लो, हम जानते हैं कि प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से प्रतिलोम अवयव ग्रुप में बहुत बार पढ़ाया है, जी और जी डैश दो दिए हुए हो तो ए ई बराबर ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई, ये ले लो बराबर ए इनवर्स इंटू ए। ये तो यूं लिखा जाता है, दायां बायां एक समान पक्ष होता है, तत्समक अवयव होता है प्रतिलोम अवयव। समाकारिता का यूनिट चल रहा है तो एफ से गुणा कर दो दोनों तरफ, ये समाकारिता का प्रगुण होता है, एफ ए इनवर्स इंटू ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स बराबर ई डैश, अभी प्रूव किया था। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ ए एफ इनवर्स बराबर गुणा का एक होता है, इसको शिफ्ट कर देंगे तो एफ ए इनवर्स बराबर एक बटा आता है, बटा में तो लिखते नहीं है तो एफ ए का होल इनवर्स ही आएगा, ये सिद्ध करना था। अच्छी तरह चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसका चित्र देख लो, नहीं थ्योरम लिख देता हूं मैं, थ्योरम बुक से देख कर ही लिखनी पड़ेगी ताकि कोई भी लिखने और देखने में अंतर नहीं आए। प्रमेय में क्या होता है, रात दिन का अंतर हो जाता है, जैसे कि मैं जा रहा हूं तो रात दिन का अंतर होगा, पहले वर्ड में तो बिल्कुल स्वीकार दी होती है मैं जा रहा हूं, और दूसरा मैं जा रहा हूं यानी एक वो होता है कि मैं नहीं जाऊंगा आप कुछ भी कर लो, दो वर्ड बिल्कुल ये अचंभित वर्ड होते हैं बोलने का प्रकट करने का तरीका। जैसे आपने क्या कहा श्रीमान, क्या कहा आपने, तो ये दोनों वर्ड क्या हुए, एक दूसरे में विभेद करते हुए विलोम शब्द एक दूसरे के, ये समझ लो आप। तो ये क्या बिना देखे लिखने से बढ़िया है कि अपन इसको अच्छी तरह देखकर जेपीएस की किताब से थ्योरम्स
अच्छी तरह लिख के आपको हल कर रहा हूं। ईश्वरम का स्टेटमेंट ये है कि यदि है समूह जी से जी डैश पर समाकारी है, जी से जी डैश पर समाकारिता है तथा सीधा इसे कीजिए, पहला नंबर पॉइंट दिया हुआ जी का उपग्रुप उपसमूह एच है तो इंप्लाइज दैट क्या सिद्ध करना है, एफ एच है वो जी डैश का उपसमूह होगा। दो नंबर ये डिराइव करना है कि जी डैश का उपग्रुप एच डैश है, इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स एच डैश बराबर एक्स बिलोंग्स टू जी कॉलोन एफ एक्स बराबर एच डैश समूह जी का उपसमूह है, ये अपने को डिराइव करना है। नॉर्मल थ्योरम है, इसमें कोई भी तरह का वो नहीं है कि अपने से नहीं हो, बिल्कुल इजी मेथड में इसको हल कर देते हैं। थ्योरम के एक बार समझने के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आती, कभी भी। पहले रफली बता रहा हूं, उसके बाद इसका फेयर लिख दूंगा, दिया है वगैरह सभी। तो रफ का में पहले अपन क्या करते हैं, इसमें की एलिमेंट पकड़ते हैं। इंप्लाइज दैट का मतलब होता है कि पहले अपने को मानना ही पड़ेगा, ये कहां से दिया हुआ इसका कोई भी आइडिया नहीं है, ये मानना बढ़िया आवश्यक है। इस चिन्ह का मतलब होता है इंप्लाइज दैट, यानी इसमें तीर से पहले वाला जो भी एलिमेंट होता है उसको मानना ही पड़ता है अपने को, इसमें अपन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते कि साहब नहीं मानेंगे। एच है वो जी का उपसमूह है, एच सबसेट ऑफ जी हो गया, ये लिखने का तरीका। तो इसमें अपन क्या जानते हैं परिभाषा के अनुसार, परिभाषा हो जाएगी अगर ए और बी एच का एलिमेंट लेते हो तो ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। हमें से क्या करना है, एफ एच जी डैश का उपसमूह है, एफ एच को जी डैश का उपसमूह सिद्ध करना है। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे और अंत में किस में बिलोंग करवाना पड़ेगा, एफ एच में। ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसमूह की परिभाषा क्या होती है, जिसको उपसमूह सिद्ध करना होता है उसी के दो एलिमेंट ले लो और वापस उसी में बता दो कि इस प्रकार से है। तो मैं ले लेता हूं, सबसे पहला दिया हुआ है जी का उपसमूह एच है, गिवन है ये, इट मीन्स ए और बी अगर एच के एलिमेंट है तो इसका मतलब ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एच को। चूंकि समाकारिता गिवन है एफ जी से जी डैश पर विद्यमान है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच लिखा हुआ, इसमें एफ का गुणा कर दो तो एफ ए बी का इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, एफ एच में। ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए इंटू एफ बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एच है, देख लो। एफ ए का होल इनवर्स बन जाएगा बिलोंग्स टू एफ एच, एफ ए अभी थ्योरम की थी इसमें क्या बताया था, एफ ई का मान किसके बराबर होता है, ई डैश के, तो ये बन जाएगा ई डैश, बी डैश का इनवर्स किसके बिलोंग हो जाएगा, एच डैश के। और जरूरत नहीं है इसमें सीधा एफ एच लिख दो क्योंकि हमें एफ एच प्रूव करवाना है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इसमें बिलोंग कर गए तो एफ एच क्या हो गया, सबसेट ऑफ जी डैश। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, जेपीएच की किताब से टैली कर लेना, सेम डेटो यही है प्रूफ, समझ लो अच्छी तरह।
प्रश्न नंबर दो में एफ इनवर्स एच डैश इज नॉट इक्वल टू फाई ए, क्योंकि ई डैश अगर एच डैश को बिलोंग करता है तो एफ ई किसके बराबर बिलोंग करेगा, एच डैश के। ए और बी दोनों एलिमेंट ले इनवर्स एच डैश का, एफ ए किसको बिलोंग करेगा, एच डैश को, और एफ बी किसको बिलोंग करेगा, एच डैश को। एफ ए स्टार बी इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ ए इंटू एफ बी का इनवर्स के, ये किसको बिलोंग करेगा, एच डैश को। नॉर्मल से कंसेप्ट है ये, कभी भी एग्जाम में देखो बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे क्या इम्प्लाइजेट हो जाएगा, ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एफ इनवर्स एच डैश को। हमें ये लेकर आना था, इस वजह से किया था, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समाकारिता में क्या करना है, जी का एच समूह ये तो सीधी हो गया, इसमें जी डैश का उपग्रुप एच डैश दिया हुआ है, तो ये एलिमेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये गिवन में आ गया एक तरह से, ये समझ लो आप, ये भी गिवन में आ गया एक तरह से, ये समझ लो आप, क्योंकि एफ डैश एफ इनवर्स एच डैश वापस प्री इमेज बनेगी। इसका डायग्राम भी बनाता हूं अभी, पहले ये ले लो जो अपने को लेवल में काम करना है। ए और बी दोनों एफ इनवर्स एच डैश के लेने पड़ेंगे, ये क्यों लिए जाते हैं वो यहीं पर डायग्राम बना देता हूं, और बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। एफ समाकारिता है, जी और जी डैश दिया हुआ है, यहां पर यह तो ये ए डैश की रेस्पेक्ट में दिखेगा, यह एफ ए के, पहले तो ये देख लो। देखो थ्योरम को डायग्राम से बताता हूं, अपने शब्दों में फिर लिख लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अगर ये एलिमेंट इसमें जाकर इसमें दिखाई देगा जी डैश में, तो दो प्रकार से दिखाई देता है, एक तो ए डैश और दूसरा एफ ए। लेकिन अगर वापस रिवर्स इमेज देखेंगे, ये व्हाइट कलर में जो चौक ड्रॉ किया है, एरो का निशान इधर किया है, तो ये दिखती सी बात है कि जब ये वापस जाएगा तो एफ इंटू एफ इनवर्स बनेगा। अगर इसकी वैल्यू मैं लिखूं यहां पर, किस प्रकार दिखाई देगा, एफ इनवर्स इंटू एफ ए के द्वारा दिखाई देगा, और ये किस प्रकार दिखाई देगा, एफ इनवर्स इंटू ए डैश के द्वारा दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार यहां पर अगर एच लिखा हुआ हो एफ एच, तो यहां पर क्या दिखाई देगा, एफ इनवर्स एफ इंटू एच दिखाई देगा। एफ एच को लिखने का तरीका क्या होता है, एच डैश, तो इस प्रकार ये क्या दिखाई देगा, एफ इनवर्स एच डैश में, ये चीज ये लिखी हुई है, यानी अपने को प्री इमेज में वापस पूछ रहा है, एफ इनवर्स एच डैश में दिखाई देगा। एक्चुअली ये किसमें दिखाई दे रहा है, एच में। इसको ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो कोई भी समाकारिता करने के लिए हमें क्या है कि इस प्रकार से एक दूसरे के अंदर दिखाई देना आवश्यक है। नेक्स्ट थ्योरम या डेफिनेशन देख लेते हैं, काफी थ्योरम्स हो गई आज की। यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर समाकारिता हो तो एफ जी जो है वो जी डैश का उपसमूह होगा। ये इन्हीं थ्योरम दे रखी है, केवल स्टेटमेंट, इसको केवल डायग्राम से समझ लो। एफ समाकारिता दिया हुआ जी से जी डैश पर, एफ समाकारिता जी से जी डैश पर दिया हुआ, एफ जी की आवश्यकता रहेगी, तो यहां पर अगर मैं जी एक सेकंड के लिए कोई भी अवयव मान लू, तो इसमें किस प्रकार दिखाई देगा,
एफ जी द्वारा दिखाई देगा। और सबसे पहले नंबर थ्योरम जो आज की पढ़ी थी उसको अगर मैं साइड में लिख दूं तो एफ जी का मान किस प्रकार याद किया है, ई डैश के द्वारा। कहने का मतलब अगर रफली याद करें तो जो अंदर लिखा हुआ उस पर डैश लगा दो, तो इसमें जो अंदर लिखा हुआ इस पर अगर मैं डैश लगाऊं तो किस प्रकार प्रकट होगा, ये जी डैश और ये लिखा हुआ है प्रकट होना, ये वर्ड कहलाता है उपसमूह। तो ये इससे पहले वाले तीनों थ्योरम फिनिश कर लेना, समाकारिता के तीन थ्योरम कंप्लीट हुई अभी तक और एक परिभाषा। यहां पर वीडियो स्टॉप करते हैं, अच्छी तरह दो तीन बार रिवाइज करना। थैंक यू।